उन्होंने बोला कि आज उनको नौकरी करते 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 20 साल कंप्लीट हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से। उम्मीद करते हो आप भी अच्छे से होंगे। पसीना पसीना गर्मी और की है। मेरा रूटीन शुरू हुआ है, दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं, और रोटियाँ बन रही है, सब्जी मेरी बन चुकी है, दही उधर पड़ा है, शाम की सब्जी थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी है। तो अभी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। वो खाना बन चुका है, अभी मैं खाना खाऊंगी। आज मैंने बड़ी की सब्जी बनाई है, सोयाबीन बड़ी की, और हरी मिर्च तली हुई है, दही है। और बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, मतलब भीग जाए बंदा, इतनी हो रही है। अभी बस मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर देखती हूँ राघव का टाइम होता है तो उसको लेके आऊँगी। हेलो गाइस, तो अभी हो चुकी है दोपहर, 12 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ मेरा व्लॉग एडिट, क्योंकि आज व्लॉग नहीं आया है सुबह, तो अभी एडिट करके अभी अपलोड करूँगी। 1:30 बजे राघव आ जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद तो अभी कर रही हूँ और उसके बाद उसको लेके आऊँगी। नहाना भी है अभी, आज मेरे बाल बाल वैसे ही पड़े हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने आज सुबह से, और क्योंकि आज थोड़ा सा मन ही नहीं किया कुछ करने का। हेलो गाइस, तो अभी मैं आपको एक न्यूज़ देने वाली हूँ, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए। और अभी मुझे ना, जैसे मैं नहा करके आई अंदर, तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आए, 3-4 मैसेज आए, तो मैंने जैसे देखा तो वो आए हुए थे फौजी साहब के, और उन्होंने बोला कि आज, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ, उन्होंने बोला कि आज उनको नौकरी करते 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 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे मतलब सुना तो मुझे ये हो गया कि यार 20 साल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बधाई हो, बहुत 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 ज़्यादा बधाई हो फौजी साहब आपको, आपकी जॉब के लिए, और 20 साल कंप्लीट हो गए। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि यार 20 साल पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी और 20 साल बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे क्या कुछ, मैं भी हूँ, राघव भी है, मम्मी पापा ये भी हैं, तो बहुत ही मतलब खुशी भी हुई। और उन्होंने अपने 20 साल अपनी ज़िंदगी के देश को दिए हैं, ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको गुड न्यूज़ देनी थी, और बहुत 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 प्राउड है बहुत ज़्यादा, और पूरी फैमिली को है, मुझे भी है, और राघव को भी होगा, बहुत ज़्यादा होगा कि पापा 20 साल जॉब कर चुके हैं। और उसको मतलब अभी इतना पता नहीं है, अभी उसको बताएंगे और बड़ा होगा तो। और मुझे पता नहीं था कि हो सकता है कि तारीख भी उन्होंने बताई हो, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गई और मुझे अभी पता चला उन्होंने मैसेज किया तो। और बहुत मतलब 1 सितंबर को मेरी ननंद की शादी हुई थी, मतलब तारीखें याद रहती है, तारीखें एक इतिहास छोड़ जाती है अपना। तो ये चीज़ भी मैं अपना है कि मैं सेव करूँ, अपने छोटी छोटी यादें हैं वो इसके अंदर कैप्चर करके छोड़ूं, इसलिए मैं इसको ऐड करती रहती हूँ। तो बस अभी मैं नहा ली हूँ और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा, मेरा ब्लॉग एडिट बाकी है और उसे अपलोड करूँगी, इसके बाद राघव का टाइम हो जाएगा तो उसको लेने जाऊँगी, और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट और फिर जाएंगे ट्यूशन, और होमवर्क भी बाकी है तो उसको पहले होमवर्क करवाऊँगी, फिर उस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, हो सकता है रेस्ट ना ही हो, तो उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ के फिर मैं देख रही हूँ छत पे जाऊँगी, स्टूडियो में दोबारा से जाऊँगी, कल गई थी, कल कंप्यूटर थोड़ा सा ओपन किया था और आज भी दोबारा से उसको ओपन मतलब शुरू करना है, चालू करना है, तो वो तो बस आज घर में कुछ मीठा बनाएंगे और थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे।
तो यार राघव को ट्यूशन छोड़ के फिर मैं ऊपर स्टूडियो में जाने वाली थी, लेकिन फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो हम लोग यहाँ बाहर ही बैठ गए। और फिर मम्मी ने बोला कि चलो, मैंने ही बोला था, मैंने बोला कि चलो ग्वारफली की सब्जी लेने के लिए चलते हैं। तो यार मम्मी मुझे हंसा रहे थे बातें बता बता के। तो वो हम साथ साथ में जा रहे हैं और ये देखिए फसलें बहुत अच्छी हो रखी हैं इधर उधर पड़ोस में। कहीं पर कुछ हरियाली है, कहीं पर कुछ हरियाली है, तो वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम सास बहू निकल गए हैं ग्वार की फली लेने के लिए। और ये देखिए ग्वार में हम लोग फली तोड़ रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना हाथों पैरों में कि क्या ही बताएं। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर भी लेकिन मैंने बोल दिया तो मम्मी ने कहा चलो चलती हैं, कोई बात नहीं। तो ये देखिए इस तरह से फलियाँ लगी हुई होती है और ये कच्ची कच्ची फलियाँ ये तोड़ते हैं। इस तरह से मैंने तोड़ लिया कुछ और मैं कुछ फटाफट तोड़े जा रही हूँ। और यहाँ पर हमने दो सब्जियों की फली ली थी, एक आंटी जी के लिए भी ली थी। और ये देखिए मूंग की फली है और ये मूंग की फली भी ऐसे लगती है, मूंग का ये जो खेत है ये भरा पड़ा था फलियों से। तो मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी ने बोला था कि रागू के लिए थोड़ा बहुत तो उसको लिए ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत चाव से खाता है, तो मैं लिए ले रही थी। और यहाँ पर फलियाँ लेकर हम लोग हो चुके हैं घर के लिए रवाना। तो ये मम्मी आ रही है और ये है भारतमाला रोड। गाइज, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। सब्जी मैंने गरम कर दी है, एक सब्जी गरम हो रही है और दूध गरम कर दिया है दही जमाने के लिए। और बर्तन अभी पड़े हैं, साफ करूँगी और दो चार रोटियाँ बनानी है वो भी बनाऊँगी। अभी पापा जी आ रहे हैं घर, तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़े समोसे लेकर आ रहा हूँ। और क्योंकि आज फौजी साहब को 20 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं तो छोटू सा सेलिब्रेट करें हम लोग। और मैंने पहले सोचा था कि मैं घर पे कुछ मीठा बनाऊंगी, लेकिन पापा जी ने बोला कि नहीं, मैं बाजार से ले आऊंगा। बर्फी लेके आ रहे हैं वो लोग और साथ में थोड़े से समोसे और वो चीजें लेके आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि मैं लड्डू लेके आऊंगा, वो अभी क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, बिल्कुल रात हो चुकी है, सबने खाना वाना खा लिया होगा, तो उन्होंने बोला कि सुबह मैं लेके आऊंगा, सुबह हम लोग लड्डू बांटेंगे। तो वो मैं आपको कल वाले ब्लॉग में ऐड करूंगी। और बस अभी ये चीजें लेके आ रहे तो मैं खाना बना रही हूँ, दो चार रोटियां बनानी क्योंकि इतनी चीजें आ जाएंगी तो भूख तो है नहीं अभी फिलहाल। और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने पापा जी और मम्मी को दोपहर को बताया था, मम्मी को पहले बता दिया था, पापा जी थोड़े लेट आए थे घर और उनको थोड़ा लेट मैंने बताया बताया और बहुत मतलब खुश हुए सब लोग कि इतने दिन हो गए, मतलब है क्योंकि माँ बाप हैं और सबसे ज्यादा तो इन्होंने ही मतलब किया है हम लोगों। तो क्या है, मुझे तो 8 साल हुए हैं, राघव को 6 साल हुए हैं, लेकिन इन्होंने 20 साल बिताए हैं अपने बेटे के बगैर, मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने तो राघव को पहली बार स्कूल भेजा था तो भी मेरा दिल ऐसे बैठ गया था। उन्होंने तो बस रसोई मेरी साफ हो चुकी है, बर्तन मैंने साफ कर दिए हैं, सब्जी गर्म हो गई है, अभी मैं थोड़ी सी 2 दिन रोटियां बनानी है वो बना देती हूँ और अपना काम करती हूँ फिनिश। दूध अभी ठंडा हो रहा है, इसके बाद इसको जमाएंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, तो मैं सबसे पहले आटा लगा रही थी। और यहाँ पर पता नहीं क्यों कुछ दिन हो गए मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरी कमर इतनी ज़्यादा पेन करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वो दर्द हो रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ खड़े खड़े। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बना दूंगी। और अभी राघव आएगा इतना एक्साइटेड होके, मैंने उसकी वीडियो बनाने की पहले कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा लेट बन पाई है। और ये लेके आए थे पापा जी लड्डू, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, मैंने एक खा करके देख भी लिया था। गाइस, पापा जी अभी लड्डू लेके आए हैं, लड्डू कल सुबह बांटेंगे। और ये बर्फी लेके आए हैं और इसमें है समोसा। तो अभी मैं दे रही थी सबको समोसा डाल करके क्योंकि राघव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, आपने देखा भी था। तो पापा जी भी बोल रहे थे कि भूख लगी हुई है तो मैं उनको दे रही थी। और समोसा इतने ज़्यादा गरम गरम टेस्टी थे कि क्या ही बताएं। कभी कभी होता है कि बच्चों की तरह हमारा भी मन करता है। वीडियो
और यहाँ पापा जी और मम्मी भी खा रहे थे समोसा, और मैं भी खा रही थी। इतने गर्म थे कि क्या ही बताऊँ, मुँह ही जलने वाला था, बहुत ही गर्म थे। और ये देखिए राघव भाटी का डांस, और ये डांस कर रहा है अपने समोसों और अपनी बर्फ़ी पर। ये इसको बर्फ़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसको मैंने बोला कि डांस कर फिर मिलेगा तुझको बर्फ़ी, तो ये मतलब ऐसे डांस करने लग जाता है और बस कर रहा है मस्ती से डांस। तो बस गाइज यही था मेरा ब्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारी YouTube चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू, बाय बाय।